हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। हमारे पास यह डेटा दिया था, 30 स्टूडेंट्स ने 100 मार्क्स के एग्जाम में जो स्कोर किया उस स्कोर का हमें डेटा गिवन था। हमने ये देखा था कि मार्क्स ऑब्टेन किन किन तरह से स्टूडेंट्स को मार्क्स आए हैं और कितने स्टूडेंट्स को क्या मार्क्स आए हैं, इसका एक बेसिक डेटा हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, If I talk about 36 marks, so 36 marks obtain करने वाले 3 students class में available हैं। तो हमने कहा था 36 is my observation and this observation is appeared in this class 3 times. So 3 is the frequency by which this 36 is appeared in the class. So you can see यहाँ पर हमने individual marks को लिख रखा है। सभी students ने जो भी marks obtain किए हमने वह सभी marks को यहाँ पर list down कर दिया and उससे related जितने number जितने students को ये marks obtain हुए उन student के number हमने यहाँ पर लिख दिए। For example इस class में कोई और भी marks होता, किसी student को let us say 35 marks आते, तो 35 marks अगर किसी student को आते, so what we will do, हम यहां पर एक 35 नाम की एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर देते और उससे रिलेटेड कितने स्टूडेंट्स को ये 35 मार्क्स आए हैं वह भी लिख देते। तो जैसा कि मैंने कहा था, एक क्लास में स्टूडेंट को जो मार्क्स आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट को रैंडमली अलग अलग तरह से मार्क्स आते हैं। सो क्या मैं 30 स्टूडेंट्स का डेटा इस तरह से लिस्ट डाउन करूंगा, क्या मैं हर एक स्टूडेंट को लिखूंगा? यू कैन सी यहां पर तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स है, लेकिन एग्जाम्पल लेट अस से योर स्कूल, आपके स्कूल में देर आर 5000-6000 स्टूडेंट्स, तो क्या हर स्टूडेंट का मार्क्स मैं इस तरह से लिख के इस तरह से लिस्ट बना के मीन निकालूंगा? हमने देखा था कि जो मेथड हमने इस डेटा पर मीन निकालने के लिए अप्लाई किया वह मेथड बहुत ही लंबा था, इट इन्वॉल्व ह्यूज कैलकुलेशन। सो जस्ट इमेजिन अगर ये मेथड मैं अप्लाई करता हूं इंडिया की पॉपुलेशन पे। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स कितने पर्संस 15 इयर्स की एज से कम है, मुझे सभी पर्संस की एज का एक लिस्ट बनाना है कि किसके कितनी एज है, 5 इयर्स कितने लोगों की एज है, 10 इयर्स, 7 इयर्स, 6 इयर्स। तो क्या सभी के लिए मैं लिस्ट डाउन करके 121 करोड़ लोगों की एक लिस्ट तैयार करूंगा? ऑब्वियसली ये काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने देखा कि ये जो डेटा गिवन है, ये जो डेटा हमारे सामने लिखा है, इसे हमने कहा अनग्रुप्ड डेटा। व्हाई अनग्रुप्ड? यहां पर कोई ग्रुपिंग नहीं है, यहां पर कोई क्लबिंग नहीं है, एग्जैक्ट मार्क्स हैं और एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख रखे हैं। तो इस तरह के डेटा पर मीन निकालना या कोई भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस गिवन डेटा को, इस अनग्रुप्ड डेटा को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके, ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज ग्रुप्ड डेटा? ग्रुप्ड डेटा का मतलब मैं कुछ लोगों को, कुछ मार्क्स को एक ग्रुप में, एक क्लब में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, ग्रुप्ड डेटा में कुछ खास बात होती है, कुछ टर्म्स हमें सीखनी है। सबसे पहली होती है लोअर क्लास, दूसरी टर्म होती है अपर क्लास, तीसरी टर्म होती है क्लास इंटरवल। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म फर्स्ट, क्लास इंटरवल। नाउ क्लास इंटरवल का क्या मतलब, आप क्या देख सकते हैं, ग्रुप्ड डेटा का मतलब मैंने कुछ मार्क्स को ग्रुप कर दिया, एक ग्रुप में बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने 5-5 नंबर के ग्रुप्स को बना दिया। 5-5 मार्क्स के ग्रुप मतलब कैसा, मैंने ग्रुप कुछ इस तरह से बनाए, लेट अस से 0 से 5 मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स, 10 से 15 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स एंड सो ऑन। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जिस स्टूडेंट को 1 मार्क्स आए वो भी इस ग्रुप में आ गया, जिस स्टूडेंट को 3 मार्क्स आए वो भी इस ग्रुप में आ गया,
जिस स्टूडेंट को 2.5 मार्क्स आए वो भी इसी ग्रुप में आ गया। तो बेसिकली मैंने ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 0 से लेके 5 के बीच में मार्क्स आए हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया, उन्हें एक ग्रुप में क्लब कर दिया। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज मीन्ट बाय द ग्रुप्ड डेटा। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू क्लब दोज स्टूडेंट्स, दोज पर्संस हु हैव अ रेंज ऑफ डेटा, ओके, हु हैव द मार्क्स इन अ पर्टिकुलर रेंज। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल 5 to 10, तो जिस स्टूडेंट को 5 से लेकर 10 के बीच में मार्क्स आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं इस ग्रुप में रख दूंगा। दिस इज वॉट इज द ग्रुप्ड डेटा। ओके, नाउ अपर क्लास और अपर लिमिट, दिस इज ऑल्सो नोन एज अपर क्लास और अपर लिमिट। आई विल से अपर लिमिट और अपर क्लास का मतलब, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रुप, इस ग्रुप की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 5 मार्क्स से। ओके, मतलब मिनिमम आपको 5 मार्क्स चाहिए इस ग्रुप में आने के लिए। तो मैं कहूंगा इस क्लास के लिए लोअर लिमिट है 5, या कहें लोअर क्लास है 5। ओके, द टर्म टू बी मोर एप्रोप्रिएट लेट अस राइट इट एज लिमिट। सो अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या हुई? लोअर लिमिट का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स यू नीड टू गेट इनसाइड अ पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, एंड व्हाट इज अपर लिमिट? अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने आ सकते हैं सच दैट आप इस ग्रुप के अंदर रहे। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रुप 15 to 20, 15 टू 20 का मतलब है मैं इस ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स को रखूंगा जिनके मार्क्स 15 या 15 से ज्यादा है लेकिन 20 से कम है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 15 क्या हुआ? मेरा लोअर लिमिट हुआ, मतलब अगर मुझे 15 मार्क्स मिनिमम आते हैं तभी मैं इस ग्रुप के अंदर आ सकता हूं, अदरवाइज मैं इस ग्रुप में नहीं आ सकता। मुझे 16 मार्क्स आते हैं तब भी मैं इस ग्रुप में आ सकता हूं, 17 आते हैं, 18 आते हैं, 19 आते हैं तब भी मैं आ सकता हूं, 20 अगर मुझे 20 मार्क्स आ गए तो मैं इस ग्रुप में नहीं आ सकता। ओके, व्हाई इट इज सो? बिकॉज इस ग्रुप में मैं ऐसे ही स्टूडेंट्स को रखूंगा जिनके मार्क्स 20 से कम है लेकिन 15 या उसके बराबर है। ओके, 15 या उसके बराबर है लेकिन 20 से कम है। कुछ इस तरह से हम ग्रुप्ड डेटा को बनाते हैं। Why? Because you can see, for example, observe this group, 10 to 15 and observe this group, 15 to 20. तो जिस स्टूडेंट के 15 मार्क्स आए उसे मैं कहां रखूंगा? क्या मैं उसे इस ग्रुप में रखूंगा? क्या मैं उसे इस ग्रुप में रखूंगा? तो टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन हमने क्या करा? हमने ये डिसाइड करा कि लोअर लिमिट जो है दैट इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू नीड टू गेट इनसाइड अ पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो अपर लिमिट है, जैसे कि 15 इन दिस ग्रुप 15, तो 15 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट को हम अगले ग्रुप में रख देंगे, हम इस ग्रुप में उसे नहीं लेंगे। सो इट मींस अगर आपके मार्क्स 10 या 10 से ज्यादा हैं लेकिन 15 से कम है तो आप इस ग्रुप में आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। तो इस ग्रुप में या इस ग्रुप में या कोई से भी ग्रुप में जहां पे एक लोअर लिमिट डिफाइंड है, एक अपर लिमिट डिफाइंड है, उस ग्रुप में कहां से कहां तक मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं? आई विल से इफ एक्स इज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट देन ही कैन बी इन अ ग्रुप वेयर हिज मार्क्स आर लेस देन अपर लिमिट बट ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट। कुछ इस तरह से हम कहेंगे द पर्सन हुज मार्क्स इज बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लेकिन अपर लिमिट के अपर लिमिट से कम होने चाहिए, लोअर लिमिट के बराबर या उससे ज्यादा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर उसके मार्क्स अपर लिमिट जितने हो गए तो वह अगले ग्रुप में चला जाएगा। ओके, ही विल गो इनसाइड द नेक्स्ट ग्रुप। सो इन दिस वे हम इस डेटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं। देन खास बात ये टर्म क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब क्लास का रेंज, मतलब ग्रुप का रेंज। फॉर एग्जाम्पल 0 to 5 मार्क्स, तो आप देख सकते हैं 0 to 5 मार्क्स का मतलब 0 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक के सभी स्टूडेंट्स को मैं इसके अंदर ला सकता हूं।
इट मींस इस क्लास का, इस ग्रुप का जो रेंज है वो है 5 मार्क्स का. ओके कितना रेंज है? 5 मार्क्स का. एंड आई विल से दिस 5 रिप्रेजेंट्स क्लास इंटरवल. सो क्लास इंटरवल क्या हुआ? क्लास इंटरवल इज बेसिकली द रेंज ऑफ अ ग्रुप. ओके और द रेंज ऑफ अ क्लास. और अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आई विल से क्लास इंटरवल इज बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा, क्लास इंटरवल का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो इन दिस वे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ ग्रुप्ड डेटा. अब ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करना है तो क्या मुझे क्लास इंटरवल जरूरी है 5 का लेना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अप टू यू, आप क्या इंटरवल लेना चाहते हैं. आपको जो इंटरवल सूटेबल लगता है आप वो इंटरवल लेके सॉल्व कर सकते हैं. बट फॉर दैट आपको इस डेटा को बड़े ध्यान से देखना होगा. आपको ये कोशिश करनी होगी कि मिनिमम से मिनिमम ग्रुप्स बने, लेकिन इतने कम भी ना बन जाएं कि हमारा डेटा का एक प्रिसीशन चला जाए. ओके यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म प्रिसीशन. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ग्रुप दिस डेटा इन द क्लास इंटरवल ऑफ 15. ओके मैं 15 के क्लास इंटरवल में इस डेटा को ग्रुप करूंगा. सो लेट्स सी हाउ टू ग्रुप दिस डेटा. सो आई विल से माय क्लास इंटरवल विल बी 15. मैं कहता हूं मेरा क्लास इंटरवल है 15. नाउ तो मैं यहां पर लिखूंगा क्लास इंटरवल. ओके आई विल राइट हियर क्लास इंटरवल. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई कैन सी द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10. 10 मार्क्स से स्टूडेंट के मार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ ग्रुप लाइक दिस 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55. ओके इफ यू एड 15 यू विल गेट 70, 70 to 85 and 85 to 100. कुछ इस तरह से मैंने ग्रुपिंग करी. नाउ इस ग्रुप का मतलब क्या हुआ? अगर आप पहले ग्रुप को देखेंगे 10 to 25, इसका मतलब इस ग्रुप में सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज्यादा हैं लेकिन 25 से कम है. अगर उनके मार्क्स 25 हो गए तो दे विल गो इनसाइड द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज द सेकेंड ग्रुप. लेकिन अगर उनके मार्क्स 25 से कम है तो वो फर्स्ट ग्रुप में ही रहेंगे. दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड द क्लास इंटरवल. और मैं कहूंगा इस तरह से मैंने डेटा को ग्रुप कर दिया. नाउ इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो लेट सी 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं. 10 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 1 स्टूडेंट है तो ये आएंगे. 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले अगेन 1 स्टूडेंट है तो ये भी आएंगे. 36 मार्क्स, क्या 36 मार्क्स वाले स्टूडेंट इस ग्रुप में आएंगे 10 से 25 में? ऑब्वियसली नहीं. तो हम कहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 से लेके 25 के बीच में है ऐसे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स अवेलेबल. You can see only 2 students are available, only this student and this student. Now, next group, 25 to 40. So, 25 to 40 ka matlab, hum aise students ko is group mein rakhenge, which have got marks 25 or more, but less than 40. Okay? 25 chalenge, 25 se zyada honge, to bhi chalenge, lekin 40 se kam hona chahiye. 40 nahi hona chahiye. Agar 40 hua, to agle group mein chala jayega. Isiliye, हम ऐसे स्टूडेंट्स को देखेंगे जिनके मार्क्स 40 से कम है लेकिन 25 या उससे ज्यादा है. सो यू कैन सी 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं? 3 स्टूडेंट को. तो ये तीनों स्टूडेंट्स इस ग्रुप में आएंगे. देन अगला है 40 मार्क्स. 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट को आए हैं. तो क्या 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स को मैं इस ग्रुप में रखूंगा? क्या मैं उनका इस तरह से ग्रुप बनाऊंगा? नहीं, मैं उन्हें इस ग्रुप में नहीं रख सकता बिकॉज दे हैव गॉट 40 मार्क्स.
बट ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जिनके मार्क्स 40 से कम है लेकिन 25 या उससे ज्यादा है। इसका मतलब अगर यहां पर कोई स्टूडेंट 25 मार्क्स वाला होता तो डेफिनेटली मैं उसे इस ग्रुप में रखता, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से 40 के बीच में आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा इस ग्रुप के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3। ओके, जस्ट इमेजिन इन योर क्लास ओनली 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड कर दिया किस बेसिस पे? उनके मार्क्स के बेसिस पे, लाइक दिस। ऐसा ग्रुपिंग होती है। ओके, सिमिलरली 40 से 55 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले, यू कैन सी 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 50 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 56 मार्क्स के 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 56 इज ग्रेटर देन 55, तो मैं कहूंगा कि 40 और 50 मार्क्स मतलब 4 और 3, तो 40 से 55 की रेंज में सिर्फ 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, दैट इज 40 एंड 50। नाउ नेक्स्ट इज 70, दिस इज, सॉरी आई हैव मेड इट रॉन्ग, फिफ्टी फाइव से 70 की रेंज में 70 से 85 एंड 85 से 100। सो नाउ 55 से 70 मार्क्स के स्टूडेंट्स, 56 मार्क्स के 2 स्टूडेंट हैं, 60 मार्क्स के 4 स्टूडेंट हैं, 70 मार्क्स के भी 4 स्टूडेंट हैं, लेकिन 70 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स को मैं इस ग्रुप में नहीं रख सकता, तो इस ग्रुप में मैं सिर्फ 56 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 2 स्टूडेंट को रख सकता हूं और 60 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 4 स्टूडेंट को रख सकता हूं। सो आई विल से इस ग्रुप में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आएंगे। नेक्स्ट 70 से 85, 70 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 72 मार्क्स 1 स्टूडेंट, 80 मार्क्स ओनली 1 स्टूडेंट, देन 88, तो हम कहेंगे 4 + 1 + 1 मतलब 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस ग्रुप में आ रहे हैं। नाउ लेट अस चेक द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, 95 मार्क्स 1 स्टूडेंट, सो 2 + 3 + 1 विल गिव यू अगेन 6। सो इन दिस मैनर मैंने क्या करा, मैंने जो अनग्रुप्ड डेटा था, मुझे इंडिविजुअली स्टूडेंट के मार्क्स पता थे, उन्हें मैंने ग्रुप कर दिया, उन्हें मैंने क्लब कर दिया। यहां पर क्या था, यहां पर सभी स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग लिखे हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें ग्रुप करके क्लब करके कुछ इस तरह से शो कर दिया कि 10 से 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 2 स्टूडेंट है, 25 से 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस ग्रुप को, इस तरह से मैंने इस डेटा को ग्रुप कर दिया। नाउ इन दिस ग्रुप व्हाट यू कैन सी, द क्लास इंटरवल, द रेंज ऑफ मार्क्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज 15। दिस 15, दिस क्लास इंटरवल इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एच। ओके, एच मीन्स क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ अ क्लास, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, इसे हम क्लास की विड्थ कह सकते हैं, इसे हम क्लास की रेंज कह सकते हैं। सो इन दिस वे दिस इज वॉट इज एच, आई कॉल दिस एज एच। नाउ खास बात यह कि अब यह डेटा कन्वर्ट हो गया है एक ग्रुप डेटा में, अब हमें इसी डेटा का वापस से मीन कैलकुलेट करना है। सेम डेटा का हम मीन कैलकुलेट करेंगे बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ ग्रुप। सो फर्स्ट इसे नोट करिए। ओके, तो हमने ये जो डेटा कन्वर्ट करा, अब हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, मीन इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हमने मीन को डिफाइन किया, लेकिन हमारे पास यहां पर इस ऑब्जर्वेशन का कोई वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं 2 स्टूडेंट्स इस ग्रुप में लाए कर रहे हैं, 10 to 25 क्या है, हमारा ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप, इट इज नॉट इंडिविजुअल वैल्यू। इसका मतलब हमें इस डेटा में इस तरह से एक्स आई मतलब क्लास मार्क,
ऑप्टेन्ड क्लास मार्क या फिर मार्क्स ऑप्टेन्ड किसी भी स्टूडेंट का पता नहीं है। ओके इस तरह से जब हमें डेटा दिख रहा है तो फिर मीन कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने अपने आप से एक टर्म बना लिया, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया एक टर्म जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या चीज है? क्लास मार्क इज सिंपली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या कहा मैंने, क्लास मार्क एक मार्क है। ओके इट्स जस्ट अ मार्क्स विच इज सम ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय टू, दैट इज द मीन ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो ये हमने किया क्या, आप देख सकते हैं यहां पर हमें हर स्टूडेंट के मार्क्स पता थे कि किसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। इसका मतलब यहां पर हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू अवेलेबल था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये जो दो स्टूडेंट्स हैं इनके मार्क्स कहां से कहां है, 10 से 25 की रेंज में। ओके एक पर्टिकुलर लोअर लिमिट से अपर लिमिट की रेंज में। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय दीज स्टूडेंट्स इज द मीन वैल्यू ऑफ दिस रेंज। ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या कहा मैंने, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, हमने ऐसा मान लिया कि इनको जो मार्क्स आए हैं इन स्टूडेंट्स को, दैट मार्क्स ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज बेसिकली द मीन मार्क्स ऑफ दिस क्लास। जो भी इस क्लास का एवरेज मार्क्स है हमने कह दिया कि वो मार्क्स इन स्टूडेंट्स को आए हैं। ओके सो व्हाट इज क्लास मार्क, आई विल से दिस क्लास मार्क इज बेसिकली एन अज्यूम्ड और अज्यूम्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। ओके जैसा आप जानते हैं फर्स्ट क्लास बोलते हैं, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे रेलवे में होता है। ओके ट्रेन में आपने सुना होगा फर्स्ट क्लास टिकट, सेकेंड क्लास टिकट, थर्ड क्लास टिकट। तो इस तरह से क्लास डिफाइंड है। तो उसी तरह से यहां पर हमने स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास बना दी और हमने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से लेके 25 के बीच में मार्क्स हैं, इनके एग्जैक्ट मार्क्स हमें नहीं पता, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन्हें जो मार्क्स आए हैं दैट मार्क्स इज द एवरेज ऑफ दिस टू वैल्यूज, और उसे हमने डिफाइन करा क्लास मार्क से। हमने ये टर्म बनाया क्लास मार्क। नाउ यू कैन सी, अगर मैं इन स्टूडेंट्स की बात करूं जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में है, तो क्या इस डेटा को देख के मुझे एग्जैक्टली पता है कितने मार्क्स आए हैं? नहीं पता। आई डू नॉट नो हाउ मच मार्क्स एग्जैक्टली दे हैव गॉट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अज्यूम दैट दे हैव गॉट द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास। सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस क्लास? एवरेज कैसे कैलकुलेट करा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट कितना है? 25। लोअर लिमिट कितना है? 10। तो मैंने सिंपली कहा कि इस क्लास के लिए क्लास मार्क हो जाएगा और इसे मैं कहूंगा एक्स आई। ओके इस क्लास के लिए क्लास मार्क्स हो जाएंगे 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। ओके मैं कहूंगा कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स, क्योंकि मुझे नहीं पता है इसीलिए मैं मान लेता हूं कि इनके मार्क्स कितने हैं, द एवरेज द मीन ऑफ दीज टू वैल्यूज, द मीन ऑफ द रेंज ऑफ दिस क्लास। यू कैन सी 10 से 25, सो 10 प्लस 25 इज 35, 35 बाय 2 इज 17.5। तो मैं कहूंगा लेट अस से ऑन एन एवरेज इन दोनों स्टूडेंट्स को 17.5 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, ऐसा हम मान लेंगे। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स 25 से 40 की रेंज में आ रहे हैं उन्हें कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए, इस डेटा को देख के हमें नहीं पता। तो फिर कैसे पता करें? अगेन हम यहां पर भी क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू विल जस्ट एड अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। सो हाउ मच इट विल बी? इट इज 64 एंड दिस इज 65। सो इफ यू डिवाइड 64 बाय 2 यू विल गेट 32। सो दिस विल गिव यू 32.5।
तो हम कहेंगे लेट अस से इन स्टूडेंट्स को, इन तीन स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? 32.5 मार्क्स ऑब्टेन हुए। यू मे फील कि यहां पर तो एरर है, यहां पर तो गलत है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स 10 से 25 की रेंज में है, हमें साफ साफ दिख रहा है उनके मार्क्स कितने हैं, 10 है और 20 है, फिर हमने 17.5 कैसे मान लिया? सो जस्ट सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, कि आप भले ही यहां पर इनके मार्क्स 17.5 मान रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स, मतलब जिसके मार्क्स 10 है आपने उसके मार्क्स 17.5 कह दिए, मतलब उसे ज्यादा मार्क्स दे दिए, और जिसके मार्क्स 20 है उसे 17.5 देके उसके मार्क्स कम कर दिए, तो ये तो गलत बात है। लेकिन डोंट वरी, ऐसा कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब हम इस मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल मीन और यहां से जो मीन कैलकुलेट होगा उसमें बहुत ही थोड़ा सा एरर होगा, बाकी वह डेटा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इट्स बिकॉज अगर ये डेटा और बड़ा हो जाता तो मीन कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता। सो टू अवॉइड दैट डिफिकल्टी, टू अवॉइड दैट हेक्टिक कैलकुलेशन, वी आर कन्वर्टिंग दिस डेटा इनटू अ ग्रुप्ड डेटा। सो नाउ लेट्स सी फॉर द थर्ड क्लास, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो 40 से 55 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं, उनके मार्क्स, उनके एवरेज मार्क्स कितने हम मान सकते हैं? हमें हर एक स्टूडेंट के मार्क्स नहीं मालूम, लेकिन हम मान सकते हैं कि इनको जो मार्क्स आ रहे हैं हर स्टूडेंट को, दैट इज 55 + 40/2, सो दिस इज 95, एंड इफ यू डिवाइड 94/2 यू विल गेट 47, सो दिस विल गिव यू 47.5। तो मैं कहूंगा लेट अस से इन सेवन स्टूडेंट्स को 47.5 मार्क्स ऑब्टेन हुए इन द एग्जाम, लेकिन एक्चुअल में हम देख सकते हैं मार्क्स अलग है। ओके, देन 55 से 70 की रेंज में 6 स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हें हम कितने मार्क्स ऑन एन एवरेज मान सकते हैं? 70 + 55/2, 70 + 55/2, सो इट इज 124, सो 124, 125, सो 124/2 इज 62, सो दिस विल बी 62.5। सिमिलरली नेक्स्ट रेंज है 70 से 85 की, 70 + 80 इट विल गिव यू 150, सो 155, सो 154/2 विल गिव यू 154, इट विल बी 70 × 2 = 14 एंड 154 × 7, सो 77.5 मार्क्स। सो हेयर आई विल से 85 + 70/2 विल गिव यू 77.5। मतलब इन 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें नहीं पता, बस रेंज पता है, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि इनके जो मार्क्स हैं वह हर एक स्टूडेंट को 77.5 मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स अलॉट हो गए, हो सकता है किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स अलॉट हो गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 85 से 100 की रेंज में, सो अगेन हियर आई आल्सो आई कैन कैलकुलेट द क्लास मार्क बाय एडिंग 100 एंड 85 एंड बाय 2, सो 180 मतलब 180/2 इज 90, ओके 184 हो जाएगा तो 92, सो 92.5। तो हम मान लेते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को 92.5 मार्क्स ऑब्टेन हुए। ओके, दी स्टूडेंट्स, सो आई विल से दिस इज माय एक्स आई, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, द क्लास मार्क। नाउ मीन निकालने के लिए हमें समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करना होता है, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी और मार्क्स को मल्टीप्लाई करना होगा। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज एफ आई, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, दिस एंड दिस। सो हम एक और टेबल यहां पर क्रिएट करेंगे एफ आई एक्स आई का, आई विल मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज एफ आई इंटू एक्स आई, व्हाट आई विल गेट दिस टू, एंड आई हैव द वैल्यूज, सो लेट मी राइट द वैल्यूज, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 × 17.5 विल गिव यू 35, this is how much, 3 × 32.5 it will give you 97.5, then next 7 × 47.5 it will give you 332.5,
ओके, देन 6 इंटू 62.5 इट विल गिव यू 375, देन 6 इंटू 77.5 इट विल गिव यू 465, ओके, देन 6 इंटू 92.5 विल गिव यू 555, एंड इफ यू एड ऑल दीज वैल्यूज, इफ यू एड 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 प्लस 375 प्लस 465 प्लस 555, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू एज समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू इट इज 1860, ओके, आप इसे ऐड कर सकते हैं, बहुत इजीली ऐड हो जाएगा, मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, सो टू डू नॉट वेस्ट टाइम व्हाट आई एम डूइंग इज मैं उसे डायरेक्टली यहां पर बोर्ड पे लिख देता हूं, आप इसे बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ओके, सो आई हैव समेशन एफ आई एक्स आई, नाउ व्हाट इज समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एडिशन, हम देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स, क्या मुझे इन्हें ऐड करना पड़ेगा, नहीं, ऐड करने की क्या जरूरत, आपके सामने लिखा है 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में, सो फ्रीक्वेंसी द टोटल फ्रीक्वेंसी विल बी 30, सो नाउ आई कैन कैलकुलेट द मीन, आई विल से मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई विल गिव यू 1860 अपॉन 30 एंड दिस विल गिव यू 3 1s are 3, 3 6s are 18 एंड 3 2s are 6, सो यू विल गेट 62 एज द मीन मार्क्स। तो हमें क्या दिख रहा है, हमारा जो मीन मार्क्स ऑप्टेन हुए, जो 30 स्टूडेंट्स को मार्क्स ऑप्टेन हुए, उनका मीन कितना दिखाई देता है, 62। लेकिन हमने जो एक्चुअल मीन कैलकुलेट करा था इस डेटा का, जस्ट टर्न द पेजेस एंड सी दैट डेटा, जो मीन हमने कैलकुलेट करा था, द एक्चुअल मीन वॉज 59.3। तो हमने जो पहले मीन कैलकुलेट करा वो 59.3 था, अभी जो हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं वो 62 है, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, डिफरेंस इज जस्ट 2.7, मतलब सिर्फ 2.7 मार्क्स की एरर आ रही है। तो आप कहेंगे कि बेटर होगा फिर इससे कर लिया जाए, लेकिन अगेन ट्राई टू ऑब्जर्व यहां पर हमारा कैलकुलेशन कितना रिड्यूस हो गया है, यू कैन सी यहां पर कैलकुलेशन कितना ज्यादा कम हो गया है, जो कैलकुलेशन हमारा यहां पर बहुत लंबा था, बहुत हेवी कैलकुलेशन था, उसे हमने रिड्यूस कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, ओके, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, कि हमने कैलकुलेशन रिड्यूस करा, थोड़ा सा एरर भले ही आता है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इमेजिन अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की एज के लिए इस तरह से डेटा बना के और कैलकुलेशन करूंगा तो वो कितना ज्यादा हेक्टिक कैलकुलेशन होगा, और अगर वही इस तरह से उसे ग्रुप कर दिया जाए तो थोड़ा बहुत एरर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इस तरह से करने में हमारा कैलकुलेशन बहुत बचेगा और टाइम भी बहुत बचेगा, ओके, जस्ट एग्जैक्ट डेटा की हमें कभी भी जरूरत नहीं होती, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब भी आप देखते हैं कि कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन होता है, ओके, प्लानिंग कमीशन क्या करता है, प्लानिंग करता है कि आने वाले 5 साल में कंट्री के लिए क्या क्या चीजें करनी है, किस तरह से हमें टैक्स बनाना है, किस तरह से हमें गवर्नमेंट की स्कीम निकालनी है, कितने लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट करना है, ये सारे डेटा की कैलकुलेशन एग्जैक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम जस्ट एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोग इस पॉपुलेशन में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, सो एक एस्टिमेट के बेसिस पे ही सारी प्लानिंग की जाती है, एंड दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स में हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज डेटा, एग्जैक्ट डेटा की हम कहें तो एग्जैक्ट डेटा का इतना महत्व नहीं है, ओके, एट दिस लेवल टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई इस तरह के मेथड्स हम बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन को कम से कम किया जा सके। आप देख सकते हैं यहां पर कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो गया, एक ऐसा टेबल बनाया, इसका मीन निकाल दिया और जस्ट ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें यहां पर जितने भी मार्क्स हैं हर बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा था, सो जस्ट कैलकुलेट द ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहां पर मेरे पास 13 ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब 13 टाइम्स मुझे मल्टीप्लीकेशन को करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वहीं यहां पर हम ऑब्जर्व करें, सो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, सिर्फ 6 ऑब्जर्वेशन, मतलब 50% से भी कम कैलकुलेशन मेरा रह गया, तो अब मुझे सिर्फ
इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है. सो जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड. और एरर कितना है, सिर्फ 2.7 मार्क्स का. सो इट कैन बी इग्नोर्ड, ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं है. ओके, सो दिस इज हाउ द ग्रुप्ड डेटा, दिस हाउ द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड. दिस इज अ फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन. दिस मेथड इज नोन एज, द मेथड दैट वी हैव अप्लाइड हियर इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं. क्या करा डायरेक्ट मेथड में, जस्ट आपने क्लास इंटरवल डिफाइन करा, स्टूडेंट्स लिखे, यहां फ्रीक्वेंसी लिखी, क्लास मार्क्स निकाले और एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया टोटल फ्रीक्वेंसी से. दिस इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द मीन. हम और भी मेथड सीखेंगे जिसकी मदद से हम मीन कैलकुलेट कर सके. तो पहले इसे नोट करिए, टेक अ 1 मिनट ब्रेक, पूरा डेटा अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, देन वी विल मूव फर्दर.